बात करने वाले एक हॉलीवुड हॉरर थ्रिलर मूवी ब्लेस दी चाइल्ड के बारे में। कहानी के स्टार्टिंग में हम दो लेडीज को आपस में बात करते हुए सुनते हैं किसी स्टार को लेकर। पता चलता है कुछ दिन पहले आसमान में एक बहुत ही रेयर स्टार देखा गया है जो सिर्फ जीसस क्राइस्ट के जन्म के वक्त ही विजिबल हुआ था। इसे द क्रिसमस स्टार कहा जाता है। अभी ऑलमोस्ट 2000 साल बाद फिर से इसके आने का मतलब है पृथ्वी में कोई फरिश्ता जन्म ले रहे हैं। इनमें से एक लेडी मैगी इस सब में यकीन नहीं करती, तो उसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। वो घर चली आती है और उसके दरवाजे पर एक स्ट्रेंजर नॉक करता है। ध्यान से देखने पर मैगी को पता चलता है ये कोई स्ट्रेंजर नहीं बल्कि उसकी बहन है जेना। वो एक ड्रग एडिक्ट है और 2 साल पहले घर से भाग गई थी। मैगी ने उसे बहुत ढूंढा मगर वो कहीं नहीं मिली, तो आज उसे अचानक से अपने घर में देखकर मैगी चौंक गई थी। लेकिन वो अकेली नहीं थी, उसके साथ उसकी बेटी भी थी कोडी, बस 6 दिन की एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची। अपने केयरलेस लाइफस्टाइल के कारण से उसे ना ये पता है कि इस बच्चे का पिता कौन है, ना वो इस बच्चे का ख्याल रखने के हालत में है। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड और डेस्परेट है, इसीलिए वो कोडी को मैगी के पास छोड़कर भाग जाती है। दिन गुजरने लगते हैं और मैगी सिंगल हैंडेडली कोडी की परवरिश करने लगती है। बाय प्रोफेशन वो एक साइकियाट्रिक नर्स है, ना उसके पास ज्यादा पैसा है ना वक्त। उसका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही हैम्पर हो रहा था कोडी के कारण, फिर भी वो जितना हो सके उसके लिए कर रही थी। लेकिन कुछ साल बाद धीरे धीरे उसे रियलाइज होने लगता है कोडी बाकी बच्चों की तरह नहीं है। वो रिस्पॉन्सिव तो है मगर कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोडी को अनअर्थली चीजें दिखाई या सुनाई देती है, वो चीजें जिसे कोई साधारण इंसान देख या सुन नहीं पाता। समटाइम्स कोडी किसी और ही दुनिया में खो जाती है। उसका चेकअप करवाने पर डॉक्टर इसे ऑटिज्म कहते हैं। उसे नॉर्मल बच्चों से ज्यादा प्यार और केयर चाहिए। वो कोडी के लिए एक स्कूल भी रेफर करते हैं ब्रुकलिन में। मैगी देर नहीं करती, अगले दिन ही उसे स्कूल में एडमिशन दिला देती है और अगले 3 साल तक वहीं पर कोडी की स्कूलिंग चलती है। उस स्कूल के एक टीचर सिस्टर रोजा को कोडी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। मैगी की तरह उसे भी लगता है कोडी कोई आम बच्ची नहीं है, उसके अंदर टेलीकिनेटिक पावर है। वो बिना छुए चीजों को हिला सकती है। इवन एक दिन तो सबके सामने उसने एक डेड बर्ड को भी जिंदा कर दिया था। इसी बीच हमें न्यूयॉर्क शहर में होने वाले कुछ मर्डर्स के बारे में पता चलता है। पिछले कुछ दिनों के अंदर यहाँ 4 बच्चों का खून हो चुका था, सारे के सारे 6 साल के बच्चे। उनके शरीर पर ब्रूटल टॉर्चर्स के निशान थे और हाथ पर भी एक साइन बना हुआ था। लोकल पुलिस कुछ नहीं कर पाए तो स्पेशल फोर्स से डिटेक्टिव जॉन को बुलाया गया। वो ऑकल्ट क्राइम स्पेशलिस्ट है। इन लाशों को देखकर सबसे पहले उनकी नजर पड़ती है उनके हाथ के उस साइन के ऊपर। ये ट्राइडेंट एक सैटेनिक कल्ट का सिग्नेचर मार्क है और जो उसके साइड पर नंबर्स जैसे बने हुए थे वो ब्लैक ईस्टर को रेफर कर रहा था। मतलब ये खून खून नहीं सैक्रिफाइसेस है। जरूर कोई पागल सेटनिस्ट या फिर कोई सैटेनिक ग्रुप ये सैक्रिफाइसेस दे रहा है भगवान के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए। इनका गोल जरूर बहुत बड़ा होगा। वो जो कुछ भी है वो उन्हें ब्लैक ईस्टर से पहले अकॉम्प्लिश करना होगा। डिटेक्टिव जॉन अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे इस ग्रुप का पता लगाने की, मगर उनके नाक के नीचे से ही फिर से एक 6 साल का लड़का किडनैप हो जाता है। हम देखते हैं जो लोग ये किडनैपिंग्स कर रहे थे उनके पास इनफ डेटा है, इनफ इन्फॉर्मेशन है, उनके टारगेट के बारे में सब कुछ जानकर ही वो लोग आगे बढ़ते हैं और उनके हाथ पर भी ये ट्राइडेंट बना हुआ है। हैरानी की बात तो ये है कि इन लोगों की नजर कोडी पर भी पड़ चुकी है, तो क्या वो भी इन लोगों का शिकार बनने वाली है? इसी दौरान मैगी को अपने घर में शैतान का काला साया दिखता है। कोडी के रूम के ऑपोजिट बिल्डिंग में एक बहुत ही वियर्ड और क्रीपी सा स्टैचू बना हुआ था जिसे विस्परिंग्स की आवाज आ रही थी। और उधर स्कूल में कोडी वहीं ट्राइडेंट बना रही थी, साथ में उस बच्चे का किडनैपिंग भी। सिस्टर रोजा इस ट्राइडेंट को देखकर चौंक जाती है मगर किसी से कुछ कहती नहीं। इसके ठीक 2 दिन बाद मैगी को हॉस्पिटल में एक पेशेंट मिलती है चेरी नाम से। वो भी ड्रग एडिक्ट थी और उसके हाथ पे भी ये साइन बना हुआ था। चेरी कहती है उसने अपना ग्रुप छोड़ने की कोशिश की तो अभी वही लोग उसे मारना चाहते हैं, और उस ग्रुप में मैगी की बहन जेना भी शामिल है। वो मैगी को वार्न करती है कोडी को लेकर, कहती है जेना का जो होना था वो हो चुका, अभी उसे कोडी को बचाना है। कोडी 6 साल की हो चुकी है ना, उसके ग्रुप के लोगों को पता है कोडी स्पेशल है और इसीलिए वो लोग उसे मारना चाहते हैं। मैगी को उससे और भी बात करनी थी मगर चेरी उसी रात हॉस्पिटल से भाग जाती है।
सेम नाइट घर लौटने के बाद मैगी को एक बहुत ही भयानक सपना आता है। वो देखती है कोटी का कमरा चूहों से भर चुका है। बेचारी कोटी डर से सहम गई है और जब मैगी उसे बचाने जाती है तो कुछ चूहे उसे नोच देते हैं। वो जोर से चिल्लाती है तो उसकी नींद टूट जाती है। हाँ, ये उसका सपना था, मगर क्या एक ही सपना एक साथ दो लोग देख सकते हैं? कोटी को भी तो वही सेम सपना आया था। उसके हाथ में नोचने के निशान कहाँ से आ गए? मैगी खुद भी बहुत डर गई थी, मगर वो कोटी से कुछ नहीं कहती, उसे फिर से सुला देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग जाते हैं चर्च। एक्चुअली कोटी का बहुत मन था, वो पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा रिलीजियस होती जा रही थी। अपने आप ही उसके दिल में गॉड के प्रति इंटरेस्ट ग्रो कर रहा था। कोटी बहुत ज्यादा उदास लग रही थी। मैगी के सामने ही वो सारे कैंडल्स जला देती है और प्रे करने लगती है। कहती है, मदर मेरी बहुत दुखी है, वो रो रही है। मैगी उसे घर ले आती है और घर में उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज वेट कर रहा था। पता चलता है जेना आई है अपने हस्बैंड एरिक स्टार्क के साथ। एरिक एक बहुत ही फेमस टीवी स्टार है और जेना की तरह वो भी कभी ड्रग एडिक्ट हुआ करता था। खुद रिकवर करने के बाद उसने अपने जैसे बाकी लोगों की मदद करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया है न्यू डॉन नाम से। वहीं पर उसके साथ जेना की मुलाकात हुई, दोनों में प्यार हुआ और उन लोगों ने शादी भी कर ली। अभी जेना बिल्कुल ठीक है तो वो कोटी को अपने साथ ले जाना चाहती है। एरिक भी काफी इंसिस्ट कर रहा था इस बात पे। उसने तो दुनिया भर के खिलौने लाए थे कोटी के लिए, वो जैसे कोटी को ब्राइब कर रहे थे। लेकिन कोटी को उस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो गिफ्ट्स लेने से भी मना कर देती है, ना उसे अपने माँ के पास जाना था। मैगी को बहुत अजीब लगता है, पिछले 6 सालों में जेना एक बार भी अपने बच्चे को देखने नहीं आई और अभी उसे ले जाने के लिए इतनी डेस्परेट हो रही है। और ये एरिक क्यों उतना जोर दे रहा, 1 महीने में उसे इतना प्यार आ गया। उसने तो कोटी के लिए एक नैनी भी अपॉइंट कर चुका है। मैगी डायरेक्टली मना कर देती है, लेकिन ये लोग कोटी को फोर्सफुली किडनैप कर लेते हैं। उसका मुंह कवर करके उसे गाड़ी में उठाकर कहीं गायब हो जाते हैं। मैगी के पास ना जेना का कोई कॉन्टेक्ट नंबर था ना एरिक का, तो वो जाकर पुलिस में रिपोर्ट कर देती है। उसकी बात होती है डिटेक्टिव जॉन से। जैसे ही जॉन को पता चलता है कोटी 6 साल की है, उसका जन्मदिन 16th of December 1993 को है, उसे शक होता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिन 5 बच्चों का खून हुआ था उन सबका बर्थ डेट यही था। उन्हें इससे कोई लीड तो जरूर मिलेगा, लेकिन वो ये सब मैगी से नहीं कहते बल्कि उसे अपने लॉयर से बात करने के लिए कहते हैं। उसी रात मैगी को कॉल आता है चेरी से। वो उसे देर रात एक सुनसान इलाके में मिलने के लिए बुलाती है। मैगी जाती है और उसे एक बहुत ही भयानक चीज पता चलती है। चेरी कहती है कुछ दिन पहले तक वो भी न्यू डॉन का हिस्सा थी। ये एरिक स्टार कोई सीधा इंसान नहीं है, वो डेविल वर्शिपर है। अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की मदद करने के नाम वो उनका ब्रेन वॉश करते हैं, सैटेनिक कल्ट चलाते हैं वो। उसके पास पावर है, सुपरनैचुरल पावर, जिससे वो किसी को भी हार्म कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर को। और अभी एरिक को पता चला है उसके ही जैसे कोई और पृथ्वी में जन्म लिया है जिसके पास गॉड गिफ्टेड पावर है, जिसका जन्म 6 साल पहले उसी दिन हुआ था जिस दिन आसमान में क्रिसमस स्टार देखा गया था। वो पिछले 1 साल से 6 साल के बच्चों का शिकार कर रहा है, उन्हें टेस्ट कर रहा है जिसमें फेल होने पर उन बच्चों को ब्रूटली मरना पड़ रहा है उसके हाथ। इसे द स्लॉटर ऑफ इनोसेंस कहा जाता है। फाइनली उन्हें कोडी मिल चुकी है, अभी वो जरूर उसके पावर को यूज करेगा, उसे अपने ग्रुप में शामिल करेगा और अगर कोडी राजी नहीं हुई तो वो मार डालेगा उसे। मैगी इनसे बातों से बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उधर चेरी को बाहर न्यू डॉन के गुंडे दिख रहे थे। वो मैगी को एक एड्रेस और एक गन देकर बाहर भागती है और वो गुंडे भी उसे चेस करने लगते हैं। बेचारी चेरी उनके हाथों से बच नहीं पाती, उसे बेमौत मरना पड़ता है मैगी के ही सामने। मैगी को उन लोगों में बैट सी परछाई दिख रही थी, विच प्रूव्स ये डेविल के फॉलोअर्स है। ये लोग मैगी को भी ट्रेन ट्रैक में फेंक देते हैं। मैगी बेहोश हो गई थी, बट फॉर्चुनेटली बिल्कुल सही समय उसका सेंस लौट आता है और वो खुद को बचा लेती है। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में उससे मिलने आता है डिटेक्टिव जॉन, जिससे मैगी को स्लॉटर ऑफ द इनोसेंट्स का मतलब पता चलता है। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, जब सालों पहले 3 वाइस मैन को आसमान में क्रिसमस स्टार दिखा था तो उन्हें पता चल गया था जीसस धरती पे आ चुके हैं। उन्होंने किंग हेरोड को इन्फॉर्म किया और वो अपना कंपटीशन रिमूव करने के लिए अपने सोल्जर्स को भेजा उन सारे बच्चों को मार डालने के लिए जिनका जन्म उस पर्टिकुलर डेट पर हुआ था। इसे ही स्लॉटर ऑफ द इनोसेंट्स कहा जाता है। इन दिस केस इन सारे इनोसेंट्स बच्चों का जन्म 16th of December 1993 को हुआ था। कोडी भी उनमें से एक है, बट शी इज स्पेशल, शी इज द वन। उसके किडनैपिंग के बाद किसी भी बच्चे का खून नहीं हुआ अब तक,
पुलिस को पता है उसे किसने उठाया है। वो लोग एरिक के अगेंस्ट केस रेडी करने लगते हैं, मगर तब तक मैं के चुप नहीं बैठ सकती थी। वकलिन चेरी के बताए हुए एड्रेस पर जा पहुंचती है। ये जगह इतनी क्रीपी और घटिया थी कि मैगी को लग रहा था वो नरक में आ पहुंची है। इसी घर के अंदर एरिक का आलीशान महल छुपा था, किसी को बाहर से पता ही नहीं लगेगा। मैगी पहले उससे रिक्वेस्ट करती है कोडे और जेना को छोड़ने के लिए। बात ना मानने पर वो गन पॉइंट भी करती है, मगर एरिक अपने शक्ति से उस बंदूक से गोलियां निकाल लेता है और मैगी को बेहोश करके मरने के लिए छोड़ देता है। जब उसका सेंस लौटता है तब वो खुद को गाड़ी में पाती है। उसे अल्कोहल और स्लीपिंग पिल से सिडेट किया गया था। साथ में रोड के गलत साइड पर उसकी गाड़ी चल रही थी। हड़बड़ी में उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी बहुत ही डेंजरसली ब्रीज से लटकने लगती है। गाड़ी में आग भी लग चुकी थी। मैगी के पास बचने का और कोई रास्ता नहीं था। बट लकीली तभी कोई उसके तरफ हाथ बढ़ाता है, उसे खींच कर गाड़ी से निकालता है और फिर गायब हो जाता है। मैगी पलट कर उसे देख नहीं पाती। सबको लगता है उसे एक्सीडेंट में मैगी की मौत हो चुकी है। सिर्फ डिटेक्टिव जॉन सच जानते थे क्योंकि मैगी ने खुद उसे इन्फॉर्म किया था। उसी रात हमें एरिक का और एक रूप देखने मिलता है। वो कोडी को लेकर घर के बेसमेंट में जाता है और एक पागल आदमी को दिखाता है। कोडी के सामने उस आदमी को मजबूर करता है खुद को आग लगाने के लिए। शायद वो आदमी ऐसा कर भी लेता मगर कोडी उसे रोकती है। उसे एक जादू की झप्पी देती है और कहती है भगवान ने उसका साथ नहीं छोड़ा। कोडी के छूने से ही वो आदमी ठीक हो चुका था, उसकी सैनिटी वापस आ चुकी थी और एरिक खुश। उसे तो यही देखना था, तो वो इस आदमी को जलाकर मार डालता है। वो कोडी से डायरेक्टली पूछता है उसका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, गॉड को छोड़कर डेविल को वर्शिप करने के लिए। इवन उस छोटी सी बच्ची को बिल्डिंग के टेरेस से फेंकने का डर भी दिखाता है। मगर इस सब से कुछ नहीं होता, कोडी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती। उधर मैगी जब चर्च में प्रेयर कर रही थी तो सिस्टर रोजा आती है उससे मिलने। उसे ऑलरेडी पता था कोडी स्पेशल है, तो जब उसका किडनैपिंग हो गया उसके लिए सच्चाई को समझना मुश्किल नहीं रहा। वो मैगी को एक प्रेस्ट के पास ले जाती है जो उसे प्रॉमिस करते हैं कोडी को वापस पाने में मदद करेंगे। मैगी को पता था कोडी कल डेंटिस्ट के पास जाएगी, लास्ट टाइम उसने यही बताया था, तो वो उसी डेंटिस्ट के पास से कोडी को उठा लेती है। एक लड़का उसे हेल्प कर रहा था मगर एरिक की एजेंट उसे मार डालती है। मैगी अकेली ही भागती है कोडी को लेकर, मगर हर एक स्टेप में उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। उसे ट्रेन पकड़ना था मगर वो लेट कर देती है और दरवाजा बंद होने लगता है। फॉर्चुनेटली एक लेडी दरवाजे को रोकती है और फिर गायब हो जाती है। ठीक तभी वो नैनी आती है उनके पीछे पीछे। गुस्से के आग में उसका असली चेहरा बाहर निकल आया था, वो तो बिल्कुल मेड्यूसा की तरह दिख रही थी। इसके बाद मैगी कोडी को लेकर सिस्टर रोजा के बताए हुए एक कन्वेंट के तरफ जाने लगती है। दो गाड़ी उसका पीछा कर रही थी। मैगी अपनी पूरी कोशिश करती है मगर कोडी को बचा नहीं पाती। उसे फिर से एरिक के लोग उठा ले जाते हैं। एट द सेम टाइम डिटेक्टिव जॉन गए थे एरिक के घर में रेड करने, मगर तब तक वो कहीं और जा चुका था। घर में कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं, सिर्फ जिस जगह उस पागल आदमी को जलाया गया था वहां उसके एशेस पड़े थे और पास में ही बनाया हुआ था एक साइन। जॉन इसे देखकर पहचान पाता है ये एक स्पेल है, मतलब ये एरिक सैटेनिज्म के साथ जुड़ा है फॉर श्योर। नेक्स्ट वो बेसमेंट में चेक करता है जहाँ दीवार पर फ्रेश पेंट लगाया गया था। जॉन को शक होता है और वो जब ब्लू लाइट में देखता है तो उसे चारों तरफ बस खून ही खून दिखता है, साथ में वो ट्राइडेंट वाला मार्क भी। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वो इस खून से उन मर्डर्ड बच्चों का डीएनए मैच करने के लिए भेजता है, इससे ही बाकी सच साबित हो जाएगा। तभी उसे कॉल करती है मैगी, उसके साथ जो कुछ भी हुआ सब कुछ बताती है। और जब डिटेक्टिव जॉन सर्च करते हैं तो उन्हें उसी जगह के आसपास एरिक की एक प्रॉपर्टी मिलती है। हो ना हो कोडी को वो लोग इसी जगह पर लेकर गए हैं। उसी रात वो लोग उस एड्रेस के तरफ निकल पड़ते हैं विद फोर्स। मैगी भी उनके साथ जाती है, मगर घर के आसपास पहुंचते ही बाकी के ऑफिसर्स कहीं गायब हो जाती है, जैसे इस अंधेरे जंगल के भुलभुलैया में वो लोग खो गए थे। मैगी उनका वेट नहीं करती, वो अकेले ही घर के अंदर चली जाती है और उसके पीछे पीछे जॉन भी। इस घर में हम देखते हैं कुछ छोटे छोटे बच्चे भी थे जो डेविल के प्लान में शामिल थे, और जेना भी। उसे तो एरिक अपने मुट्ठी में रखने के लिए हमेशा ड्रग्स से सिडेट करके रखता था, वो चाहे भी तो अपने बेटी को बचा नहीं सकती थी। मैगी को घर से बाहर एक बिल्डिंग के दरवाजे पर कोडी दिखती है, वो पीछा करती है उसका, मगर ये कोडी नहीं थी, मैगी को फंसाने का एक जरिया था बस। उधर जॉन भी उससे अलग हो चुका था और उस पर गुंडों ने हमला भी कर दिया था। मैगी को एरिक के गुंडे एक प्रेयर हॉल में ले जाते हैं जहाँ उल्टा क्रॉस यानी कि सैटन का पूजा हो रहा था।
और बॉन बना गया था बिचारी कोडी को। आज उसका जजमेंट डे है। अगर उसने साथ दिया तो ठीक है, एरिक उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेगा, एक नया जन्म होगा उसका, नहीं तो उसे शैतान के नाम पे बलि चढ़ाई जाएगी। मैगी को वहाँ बहुत सारे चूहे दिखते हैं। चूहों से पूरा हॉल भर चुका था, मगर ये चूहे असल में चूहे नहीं थे, डेविल खुद था जो अपना शिकार लेने आया था। कोडी को डरा के कुछ नहीं हो रहा था तो एरिक मैगी को गन पॉइंट पे ले लेता है। कोडी को फोर्स करने लगता है हाँ कहने के लिए। कोडी बेचारी बच्ची बहुत कश्मकश में पड़ चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। फॉर्चुनेटली ठीक उसी वक्त पुलिस फोर्स बाहर से हमला कर देती है, अंदर टियर गैस छोड़ के सबको बाहर निकलने पे मजबूर कर देती है। गुस्से में एरिक भी कोडी को शूट कर देता है, जो उसे बचाने के चक्कर में मैगी को लगती है। कोडी अपने मौसी को मरने नहीं दे सकती थी तो वो उसे अपने शक्ति से ठीक कर देती है। उधर सिस्टर रोजा बाकी सारे सिस्टर्स के साथ मिलकर उनके लिए प्रेयर्स कर रही थी, शायद उनके बुलाने पर ही, और गॉड के मैसेंजर कोडी को बचाने के लिए एंजल्स आके हाजिर होते हैं उस हॉल में। इन्हें देखकर कोडी बहुत खुश हो जाती है, इन्हें तो वो अपने गार्जियन एंजल्स मानती है बचपन से। भगवान तो बहुत पहले से ही उनकी मदद कर रहे थे, कभी आदमी के रूप में मैगी को गिरने से बचाकर, तो कभी औरत के रूप में उनके लिए ट्रेन रोककर। उनके पावर के सामने एरिक डर से फीका पड़ चुका था, जिसका फायदा लेकर जॉन उसे शूट कर देता है। लेकिन तब तक हॉल में आग लग चुकी थी, पूरा बिल्डिंग टूटकर गिरने लगा था। मैगी किसी तरह कोडी और जेना को लेकर बाहर निकलती है और ठीक उसके बाद ही ये पूरा हॉल जलकर राख हो जाता है। एट द फाइनल सीन हम कोडी को देखते हैं अपने मौसी और जॉन के साथ, वह भी बिल्कुल ठीक है और खुश भी, लेकिन शैतान अभी तक उसका पीछा कर रहा है। हम एक लड़की को देखते हैं, उसी ग्रुप का जो कोडी पर नजर रख रहा था, लेकिन उसके सामने जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। कोडी का पॉजिटिवनेस उससे सहन जो नहीं होता। असल में भगवान और शैतान की जंग तो हमेशा चलती रहती है, शैतान की आदत ही है छुपके से पीछे से वार करना, वो वैसा ही करेगा, हमेशा कोशिश करेगा भगवान के फॉलोअर्स को अपनी तरफ खींचने का या फिर उन्हें खत्म करने का, मगर वो कामयाब नहीं होगा क्योंकि जिनके साथ भगवान है शैतान उसका बार भी बाका नहीं कर सकता, है ना। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है, मुझे ये फिल्म बहुत पसंद आई, आपको वीडियो कैसी लगी राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।